जब रेंट करना था तो उस वक्त आपको कुछ मुश्किल वगैरह आई थी? यहाँ का रेंट वगैरह कितना मिल जाता है इस बिल्डिंग में? जब मैं स्टूडियोज का हंट कर रहा था, एवरीथिंग स्टार्ट्स ओवर $2,000. मैं इतने सारे अपार्टमेंट्स मुझे रिजेक्ट कर दिए जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ सिटीजन और अ पीआर. तो अभी शाम हो गई है, 5 बज गए हैं पूरे, और अभी मैं आया हूँ जैयद के अपार्टमेंट में. तो अभी हम भाई के अपार्टमेंट में जा रहे हैं. भाई ने अपार्टमेंट चेंज किया था अब से कुछ 6 महीने हो गए भाई. हाँ, अब से कुछ 4 महीने पहले भाई ने अपार्टमेंट चेंज किया था. लेट मी शो यू हिज अपार्टमेंट. स्टूडियो अपार्टमेंट है. अगर कोई यहाँ पर आकर अकेला रहना चाहता है, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी ऐसे मिल जाते हैं हैलिफैक्स में, लेकिन थोड़े महंगे मिलते हैं. आपको रेंट भी बताऊंगा कितना रेंट है. सो दिस इज द बिल्डिंग. देखो वहां से ऐसे दिखती है. एलिवेटर थोड़ी सी पुरानी जरूर लगती है ना भाई? ये बिल्डिंग पुरानी बनी लगती है. 25 साल पुरानी. एलिवेटर देखो कितना जोर लगता है इसका. अगर इसको लगा दिया जाए बुर्ज खलीफा के ऊपर, ये तो लगा देगी 10 घंटे ऊपर तक जाने में. ये तो 5वें फ्लोर तक नहीं पहुंच रही. चलो नेओ, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से. और ये रहा मैं, कितना अच्छा लग रहा हूँ. देखो ये रहा मेरा पूरा का पूरा कुर्ता. देख लो, आपने देखा नहीं होगा सुबह का. दिस इज माई कुर्ता एंड पजामा. बढ़िया लग रहा है ना. तो ये है देखो, ये रहा लॉन्ड्री रूम यहाँ पे, एंड हेयर इज द अपार्टमेंट ऑफ जैयद. सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द नियो फाइनेंशियल. तब तक तो आपको पता चल गया होगा, नियो फाइनेंशियल बिकेम माई फेवरेट क्रेडिट कार्ड एंड मनी कार्ड इन कैनेडा सो फार. सो नाउ यू कैन सेव मनी इन सो मेनी वेज विद दिस नियो कार्ड. तो सबसे पहले, अगर तो आपके पास गाड़ी है, यू कैन फिल अप योर टैंक एट एनी सर्कल के गैस स्टेशन इन ओंटारियो एंड यू विल सेव अप टू 4% ऑन द गैस प्राइसेस. अब यही नहीं, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, लाइक नियो सेविंग्स अकाउंट. अब जो नियो का सेविंग्स अकाउंट है ना, दैट प्रोवाइड 2.25% इंटरेस्ट रेट इन कनाडा. जो ट्रेडिशनल बैंक्स है कनाडा में, दे जस्ट प्रोवाइड 0.05%, जो कि बहुत कम होता है, और 2.25% इंटरेस्ट रेट वो देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इनके बैंक अकाउंट में पैसे रखोगे, आपके पैसे पड़े पड़े ही ग्रो हो रहे हैं, जो कि बहुत बहुत बढ़िया बात है. तो आई एम यूजिंग नियो मनी कार्ड एंड नियो क्रेडिट कार्ड एज वेल. क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ऑब्वियसली क्रेडिट चेक होगा, लेकिन अगर आप नए आए हो कनाडा में और आप चाहते हो आपका क्रेडिट चेक ना हो, देन यू कैन इवन गेट द नियो मनी कार्ड. इट कम्स विद सेम बेनिफिट्स एज द क्रेडिट कार्ड. सो नियो कार्ड प्रोवाइड्स एवरेज 5% ऑफ कैशबैक, लेकिन किसी किसी जगह पर आपको 15-20% तक भी कैशबैक मिलेगा, एंड दैट सेम ऑन द क्रेडिट कार्ड एंड मनी कार्ड. द अनदर बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस कार्ड इज देयर इज नो एनुअल फीस एट ऑल. ना ही आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर फीस देनी पड़ेगी, ना ही आपको मनी कार्ड के ऊपर फीस देनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप मेरा लिंक यूज करके साइन अप करते हो नियो फाइनेंशियल पर, आपको $50 एज अ रेफरल बोनस जरूर मिलेगा. तो गो हैड एंड चेक आउट देयर अकाउंट एंड ओपन यूर नियो मनी कार्ड और नियो क्रेडिट कार्ड राइट नाउ. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच नियो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो. नाउ लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग. ओके, सो दिस इज जैयद अपार्टमेंट. हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया. वेलकम टू माय अपार्टमेंट. दिस इज माय हम्बल अबोड स्टूडियो. दिस इज जस्ट अ माइक्रो स्टूडियो फॉर वन पर्सन. इट्स प्रीटी यू नो स्पेशियस, कंफर्टेबल. इवन टू पीपल कैन से कपल्स. किचन कम्स विद फ्रिज एंड ओवन. आई हैड टू बाय दीस थिंग्स. आई गॉट अ सिंगल. ओके, सो ये है इंडक्शन, राइट? इंडक्शन, हां. दिस इज इंडक्शन एंड दिस इज एयर फ्रायर. एयर फ्रायर प्लस कन्वेंशन ओवन. ओके, एयर फ्रायर एंड कन्वेंशन ओवन और माइक्रोवेव साथ में ही आया था. एंड दिस इज द किचन एरिया. सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडियो. वन बेडरूम, मतलब बेडरूम तो नहीं होगा, इसलिए स्टूडियो में बेडरूम नहीं होता. स्टूडियो में आप एंटर करोगे, आपको किचन भी वहीं पे मिलेगा, बेडरूम भी वहीं पे मिलेगा, सारा कुछ वहीं पे मिलेगा. साथ में एक वॉशरूम मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी. सो यहाँ किचन एरिया. इधर से सोऊंगा, इधर से उठ के कुक करूंगा, डिनर करूंगा. बेड थोड़ा अपार्टमेंट के लिए बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, कम्फर्टेबल बिल्कुल. फिर ये है इनबिल्ट
ऑफिस टेबल काफी बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्पेस है। देखो ये साथ में कनेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर सारे अपने कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है, और ये चेयर वगैरह साथ में बहुत बढ़िया मतलब है। और सबसे बढ़िया चीज दीज विंडोज आर प्रीटी गुड एक्चुअली, और बहुत बढ़िया मतलब सुंदर सी लग रही है देखना। और ड्यूरिंग द डे टिल इवनिंग आई हैव फुल सनलाइट, नेचुरल लाइट इनसाइड, सन इज राइट ओवर देयर, इट्स ब्यूटीफुल, आई कैन ओपन द विंडोज, सेंट्रलाइज्ड एसी, सेंट्रलाइज्ड हीटिंग, ओके, तो सारा कुछ आपको बीच में मिला हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग इंक्लूडेड। सो अपार्टमेंट ऐसे भी नहीं है कि पुराने बने हुए हैं, काफी बढ़िया बने हुए हैं। देखो यहाँ से हीटिंग आती है, एसी आता है, बहुत सुंदर अपार्टमेंट बने हुए हैं। एंड दिस इज द कबर्ड्स, स्पेस तो आपको ये सामान वगैरह रखने के लिए काफी ज्यादा मिली हुई है। इधर देखो सारी की सारी कबर्ड्स जस्ट फॉर द स्टफ, इधर ये सारी की सारी कबर्ड्स ओपन नीचे जस्ट फॉर द किचन। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है भाई? बहुत बढ़िया है, इट्स सो नाइस, अकेले रहने में बहुत मजा आएगा। आई डोंट नो इफ सम पीपल लाइक टू लिव अलोन विद पीपल व्हाटएवर, मुझे अकेला रहने इट्स सो कंफर्टेबल, रियली नाइस। मेरा किचन, मेरा बाथरूम शेयरिंग का नहीं है, एंड यू नो नो नॉइस पोल्यूशन, आई वर्क, आई सिट, आई वर्क, आई स्लीप, आई ईट, रियली स्पेशियस, एंड द बाथरूम इज प्रीटी चिल टू, टेक अ लुक, एंड हियर इज द वॉशरूम, ओह माय गॉड, वॉशरूम इज प्रीटी गुड मैन, यार बहुत सुंदर वॉशरूम है देखना ये, इतना बड़ा सामने मिरर लगा हुआ है, एंड हेयर इज द शावर, वाओ सो गुड, वॉशरूम तो बहुत बढ़िया है, ये चीज तो यार बहुत बढ़िया, मिरर कितना बढ़िया लगा हुआ है ना यहाँ पे। सो दैट्स इट, मतलब इतना सा ही होता है, और यहाँ से हीट वगैरह कंट्रोल हो जाता है, हीटिंग, एसी, व्हाटएवर, थर्मोस्टैट, फैन, ओके, पूरा टेम्परेचर कंट्रोल, सारा कुछ कंट्रोल होता है यहाँ से, मेन डोर, और बस मतलब ये छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फॉर वन पर्सन आई थिंक दैट्स परफेक्ट। एंड द बेस्ट थिंग इज दिस इज इन मिडल ऑफ द डाउनटाउन, बिल्कुल डाउनटाउन यहाँ से पास में ही है, बस 2-4 मिनट की वॉक, सब चीज वॉक है, हाँ, ग्रोसरी स्टोर, डाउनटाउन, वाटर फ्रंट, पॉइंटलेस, सारा कुछ वॉक, सारा कुछ वॉक इन डिस्टेंस पे है। और ये आपको बिल्डिंग कैसी लगी? बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, लाइक रियली गुड बिल्डिंग, जिम है बिल्डिंग में, ओके, एंड पार्किंग है, यू नो रेस्टोरेंट है एक बिल्डिंग में, नीचे लॉज है, ऊपर अपार्टमेंट है, ओके। और यहाँ का रेंट वगैरह कितना मिल जाता है इस बिल्डिंग में? तो 1300 मेरा ये स्टूडियो के लिए, एवरीथिंग इंक्लूडेड, 1300 एवरीथिंग इंक्लूडेड, लेकिन अब अदर देन वाईफाई $1300 और फिर साथ में वाईफाई वगैरह, वो आप पर डिपेंड करता है, $50-$100 कितना, हाइड्रो, एसी, हीटिंग, पूरा सब कुछ इंक्लूडेड है, 1300 सारा कुछ $1300। और इतने का ही मिलते हैं यहाँ पर या इससे कुछ सस्ते या ज्यादा? तो जो लोग 3-4 साल से पहले रह रहे हैं तब का रेंट कम था, ओके, तो तब $1100 था या $1000 था, तो ईयरली ओनली 2.5% इंक्रीज है ना, ओके, तो वो कम पे कर रहे हैं, जो नए मूव इन हो रहे हैं तो आज नए प्राइस पे कर रहे हैं। डाउनटाउन में 1300 इज द चीपेस्ट। जब मैं स्टूडियोज का हंट कर रहा था, एवरीथिंग स्टार्ट्स ओवर $2000, मेरे पुराने बिल्डिंग में $2200 फॉर अ स्टूडियो, वो इससे एक थोड़ा बड़ा था, बट 2200 फॉर अ स्टूडियो, दैट्स अ लॉट, $2200 फॉर वन स्टूडियो, ओह माय गॉड, तो 1300 इज अ स्टील इन डाउनटाउन एंड हैलिफैक्स, ओके। और जब आपने ये लेना था स्टूडियो, जब रेंट करना था, तो उस वक्त आपको कुछ मुश्किल वगैरह आई थी क्या? आप इन्होंने चेक किया था आपका रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्या हो सकते हैं रिक्वायरमेंट्स? मेरा ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट देखा, लाइक इफ आई हैव अ स्टडी इनकम, एंड दे स्पोक टू माय प्रीवियस लैंडलॉर्ड, इफ आई हैव अ गुड हिस्ट्री, एंड दे वांटेड टू सी माय बैंक अकाउंट, तो टेनेंट इंश्योरेंस चाहिए अगर आपने यहाँ पे रहना है, दैट्स मैंडेटरी, तो बस इतना ही पूछे। एंड जब मैं अप्लाई किया, 18 applications फॉर दिस प्लेस, 18 applications, ओके, तो उसमें से you know, आपका चूज हुआ, ओके। सो देखो उस वक्त भाई पीआर भी नहीं थे, परमानेंट रेजिडेंट भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अपार्टमेंट मिल गया। लेकिन मैंने सुना है कि अब अगर आप कनाडा के सिटीजन नहीं हो या फिर पीआर नहीं हो, तब अपार्टमेंट्स मिलने बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं इतने सारे अपार्टमेंट्स मुझे रिजेक्ट कर दिए जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ सिटीजन और अ पीआर, दे आस्क टू, दे आस्क अ कोसाइनर हु इज अ सिटीजन और अ पीआर, ओके, तो नहीं मिला। हाँ, स्टडी इनकम भी थी, आप बढ़िया कमा भी रहे थे, फिर भी अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे थे जस्ट बिकॉज आप पीआर नहीं थे। लेकिन आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपार्टमेंट, मुझे तो यार बहुत बढ़िया लगा, देखो जरा कितना सुंदर लग रहा है, और एक बंदे के लिए दैट्स बेस्ट। यहाँ पर टीवी लगा हुआ है सामने, यहाँ पर
आपका टेबल है और यहाँ पे बेड लगा हुआ है, यहाँ पे किचन है, वॉशरूम सारा कुछ इंक्लूडेड है, एक बंदे को और क्या चाहिए। और आप अकेले रहकर खुश हो? ओ, बहुत खुश हूँ भाई। लाइक सम कुछ लोगों को नहीं होगा, लाइक दे माइट बी डिप्रेस और व्हाटएवर, जब कुछ लोगों को लाइक फॉर मी इट्स अ लिबरेटिंग, इट्स वेरी लिबरेटिंग, आई लिव अलोन, पीसफुल है, बहुत अच्छा है। तो अब हर फ्लोर के ऊपर इन्होंने लॉन्ड्री दी हुई है, बट दैट्स शेयर्ड लॉन्ड्री। कॉइन लॉन्ड्री है या फिर कॉइन लॉन्ड्री? ओके, तो कितने कॉइन कितने डालने पड़ते हैं? एक वॉश के लिए 275 फॉर वन वॉश, जस्ट फॉर द वॉश। फिर ड्रायर के लिए? ड्रायर के लिए आई थिंक 250। ओके, तो मतलब $5 लग जाते हैं ऑलमोस्ट अगर आपने एक बार अपने कपड़े वॉश करने हैं। और वीक में एक बार करते हो? 2 weeks, 3 weeks में एक बार। ओके, क्योंकि पे करना है तो मैं कम करता हूँ। ओके, कम लॉन्ड्री करते हैं। तो अब ऐसा सीन है, आपने देख लिया, सो ऑब्वियसली $1300 इज अलॉट। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप आपकी स्टडी इनकम नहीं है तो फिर आपको इतना महंगा अपार्टमेंट नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई बढ़िया स्टूडियो लेना है ना, जैसे इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है, स्टूडियो की नया बना हुआ है, और लोकेशन देखो जरा मेरे पीछे, डाउन टाउन का एरिया है ये, डाउनटाउन के एरिया में अगर स्टूडियो लेना है तो फिर आपको इतने में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपकी स्टडी इनकम नहीं है या फिर आप बस सोच रहे हो कि चलो हम अकेले रह लेते हैं, कोई बात नहीं, हम दे देंगे इतना रेंट, तो थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि $1400 इज लॉट ऑफ मनी, तो उस हिसाब से जरा सोच समझ कर करना जो भी करना है। बाकी बस फिर अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, इंडियन रेस्टोरेंट है एक यहाँ पर तवा ग्रिल करके, तो डाउनटाउन में ही है, तो वहीं पर अब हम जा रहे हैं अपना डिनर वगैरह करने के लिए, बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट 6:40, डिनर का टाइम नहीं है लेकिन भूख लगी हुई है, तो अब चलते हैं वहां पर। तो अभी आए हैं तवा ग्रिल, देयर इज द रेस्टोरेंट। तो अभी हमने ऑर्डर किया था एक कढ़ाई चिकन, एक शाही पनीर, लेकिन उन्होंने कढ़ाई पनीर ला कर दे दिया, और शाही पनीर तो चलो किया था। अब जिस बंदे को ऑर्डर किया था वो कहता था हमने 2 बार रिपीट किया और दोनों बार कढ़ाई पनीर बोला, तो अभी आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं 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 आपने यही ऑर्डर किया था, यही ऑर्डर किया था, देखते हैं क्या करते हैं अब। तो मैंने वहां पर जाकर बात की काउंटर पर, उनको बताया कि ऐसे गलत लेकर आए, सो दे फाइनली रिप्लेस्ड द फूड, और अभी चिकन आ चुका है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने जो नान भेजे थे वो नान ओवर कुक थे, बर्न थे, तो हमने कहा कि नान चेंज करो, अब वो नान चेंज कर रहे हैं। अभी डिनर करके निकले हैं बाहर, काफ़ी ठंड हो गई है, काफ़ी हवा चल रही है, और $50 लगे हैं हमारे। 3 नान करवाए थे, 1 पापड़ करवाया था, सैलड करवाया था, 2 सब्जियां करवाई थी, क्वांटिटी वाज सो गुड, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वांटिटी थी। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दैट क्रूज, सिर्फ इसको देखने के लिए हम गाड़ी फिर से पार्क लगा कर आए हैं।